नमस्कार, सुनीता कुकिंग डिश में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चना मसाला। इसके लिए मैंने चने को रात को भिगो के रख दिया था और सुबह इसके अंदर हम डालेंगे प्याज, लहसुन, दालचीनी, लौंग और नमक और आधा गिलास इतना पानी रख के मैंने उसको उबाल दिया है। अभी उसका मसाला हम तैयार करेंगे। तो मसाले में मैंने लिया है लहसुन, अदरक और बादिया, और कुछ नहीं डालेंगे, ना ही लौंग ना ही काली मिर्च। और पहले लहसुन, अदरक और बादिया को पीस लेंगे। उसके पीसने के बाद जब ये पीस जाए तब इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर देंगे, जो कि अपना सूखा मसाला रहता है ना, जैसे कि हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये सब इसके अंदर अपने स्वाद के हिसाब से मिक्स कर देंगे। गरम मसाला बिल्कुल नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर गरम मसाला डाला ना तो बादिया का स्वाद चला जाएगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी क्या करेंगे, एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर मैंने तेल डाला है, तेल भी मैंने बहुत ही कम लिया है। अभी इसके अंदर डालेंगे हम दालचीनी का छोटा टुकड़ा और प्याज। प्याज को अच्छे से हमें भून लेना है, उसको मतलब जलाना नहीं है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए ना तब तक इसे हमें भूनना है। अभी अपने प्याज जब भून जाए तो जो मसाला हमने रेडी किया है वो अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे, जब तक अपना तेल बाहर ना निकल आए। जब तक तेल बाहर आ जाता है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसके बाद डालेंगे अंदर एक टमाटर की प्यूरी, जो जैसे मतलब मैंने कद्दूकस किया है, प्यूरी नहीं बनाई। उसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और टमाटर को भी थोड़ा सा पकने देंगे। इसके बाद इसके अंदर डालेंगे अपना उबला हुआ चना और अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे। पानी डालने के बाद उसे हमें 5 मिनट के लिए ढककर पकाना है और आँच हमें रखनी है इसकी बिल्कुल धीमी। 5 मिनट के बाद इसके अंदर डालेंगे हम कसूरी मेथी। इससे स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है, बहुत अच्छा लगता है टेस्ट में। तो देखिए लग रहे हैं एकदम ग्रेवी इसकी थीक, और जब ठंडा होगा ना तो और भी बढ़िया लगता है। तो ये बनता है बिल्कुल कम मसाले में और स्वाद में बेहद टेस्टी बनता है, आप बनाइएगा ज़रूर। देखिए तेल भी ऊपर आ गया, कितना मस्त लग रहा है ना। तो बनाइए और कमेंट करके बताइए मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।